न अखिलेश आए, न ममता आई, न उद्धव आए, न नीतीश ने इच्छा जताई। इंडिया में कुछ तो गड़बड़ है। इंडिया के बॉस अब खड़गे होंगे, किस किस के लिए है झटका। खड़गे का इंडिया चीफ बनने का किसके लिए क्या मतलब, जानिए पूरी स्टोरी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की पांचवी मीटिंग हुई। 28 में से 10 पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसमें शामिल सभी दलों ने खड़गे को इंडिया ब्लॉक का चीफ बनाए जाने पर सहमति दे दी, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ। गठबंधन के बाकी नेताओं से चर्चा के बाद फैसला किया जाएगा। हालांकि इस वर्चुअल मीटिंग में ना तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई और ना ही उनकी पार्टी टीएमसी से कोई और प्रतिनिधि शामिल हुआ। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवसेना उद्धव के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल नहीं हुए। बैठक से पहले अटकलें भी थी कि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर में खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन बनाए जाने का मतलब क्या है? पिछली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने खड़गे को गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि दलित समुदाय से आने वाले खड़गे को पीएम फेस बनाने से चुनाव में विपक्ष को फायदा होगा। तो क्या खड़गे को विपक्ष की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार माना जा सकता है? जवाब में कहा जा रहा है नहीं। तर्क यही है, गठबंधन का चेयरपर्सन होना अलग बात है, पीएम पद के लिए दावेदार होना अलग। यूपीए के दौरान सोनिया गांधी गठबंधन की चेयरपर्सन थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसलिए गठबंधन का चेयरपर्सन बनाए जाने को पीएम पद की उम्मीदवारी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। लेकिन सवाल तो यह भी है, जब दलित समाज से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर 24 की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो सोनिया गांधी को चेयरपर्सन बना दिया जाना चाहिए था। आखिरकार सोनिया गांधी को अलग अलग पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाने का एक्सपीरियंस भी है। अब खड़गे इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन तो बन गए, लेकिन उनके सामने चुनौतियां पार हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो सीट शेयरिंग की है। लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 3 से 4 महीने बचे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन अब तक यही नहीं तय कर पाया कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। अभी यह तय हो जाए तो आगे यह तय करना चुनौती होगी किन किन सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी। शनिवार की बैठक में नीतीश कुमार ने भी सीट शेयरिंग को सबसे बड़ी चुनौती बताया। ममता बनर्जी के बैठक में शामिल नहीं होने को भी सीट शेयरिंग की जटिलता से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग फार्मूला तय करना विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये मामला इतना जटिल है कि अगर सही से हल नहीं किया गया तो चुनाव से पहले हो सकता है कुछ पार्टियों की राह गठबंधन से अलग भी हो जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का चेयरपर्सन बनाए जाने के बाद अब गठबंधन का कोई संयोजक भी चुना जाएगा, इसकी संभावना कम है। वैसे चेयरपर्सन और कन्वेनर यानी संयोजक ये दोनों पद एक साथ भी रह सकते हैं। कांग्रेस की अगुवाई में इससे पहले जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था उसके चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, यूपीए में कोई संयोजक नहीं था। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में संयोजक का पद रहा है, चेयरपर्सन का नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद पवार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता एनडीए के संयोजक रह चुके हैं, फिलहाल उसमें संयोजक पद खाली है। बहरहाल खड़गे को चेयरपर्सन बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर चलने वाली अटकलों पर ब्रेक लग गया। हालांकि दावा किया जा रहा है मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी समेत कुछ बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की पेशकश की, लेकिन नीतीश ने उसे ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। असल में वही इंडिया गठबंधन के शिल्पकार हैं, इसलिए समय समय पर उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की अटकलें लगती रहती थी। ये भी अटकलें लगी कि इसमें देरी की वजह से नीतीश कुमार नाराज हैं। अब गठबंधन की पांचवी बैठक से साफ हो गया कि वो संयोजक नहीं बनने वाले, तो क्या इससे बिहार के सीएम क्या वाकई नाराज हैं? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने ही कहा कि कांग्रेस से ही किसी नेता को गठबंधन का चेयरपर्सन बनाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर अखिलेश ने इंडिया गठबंधन की इस पांचवी बैठक के लिए वक्त क्यों नहीं निकाला? क्यों ममता से लेकर उद्धव ने इस बैठक से दूरी बनाए रखना ठीक समझा? इस सवाल का जवाब राजनीति ढूंढ रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें, साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। We'll be right back.